हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता किचन एंड आर्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले का भरता। करेले के भरता बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं: टमाटर, प्याज, लहसुन, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा बेसन। अब हम गैस फ्लेम को ऑन करते हैं और इसमें तेल डालते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम प्याज और टमाटर को पीस लेंगे। अब हम करेले को बीच से कट कर लेते हैं ऐसे। सभी करेले को ऐसे ही फाड़ लेते बीच से। अब सारे करेले के बीज को हम कट कर चुके हैं। अब बीज से ये बीज, सभी करेले का बीज बाहर निकाल लेते हैं। अब हम सारे करेले के बीज को बाहर निकाल लिए हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम बीज निकाला हुआ करेला डालेंगे। अब हम करेले को पलट लेते हैं। देखिए, 4 से 5 मिनट हुआ है, हमारा करेला इतना अच्छा तला गया है। इसको भी और अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, हमारा करेला अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसको बस 2 या 3 मिनट और अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हमारा करेला अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम करेले की स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले तेजपत्ती को डालेंगे। अब किसा हुआ प्याज, किसा हुआ लहसुन और करेले का बीज, इन सभी को डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। इसको अच्छे से ब्राउन होते तक ही फ्राई करना है। अब हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। इसमें अब हम नमक, हल्दी और मिर्च मिलाएंगे। धनिया पाउडर और गरम मसाला भी डाल देते हैं। अब हमारा सारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें बेसन मिलाएंगे। अब हमारा मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, स्टफिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, हमने सारे मसाला को बाहर निकाल लिया है। अब हम मसाला को करेले में ऐसे
एक एक चम्मच करके डालेंगे। ये देखिए हमने सारे करेलों में मसाला पूरा भर लिया है अच्छे से। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम कटा हुआ टमाटर थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। ये देखिए जब टमाटर इतना गल जाए उसके बाद करेले को एक एक करके उसके ऊपर रख दें। ऐसे उसके बाद इसको 2 या 3 मिनट के लिए ढक दें। अब 2 से 3 मिनट हो गया है, ये देखिए टमाटर एकदम अच्छे तरीके से गल चुका है पूरा। इसको अब हमको ज़्यादा नहीं चलाना है, एकदम हल्के हाथ से मिक्स कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तीखा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर ऊपर से और डालती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा और गरम मसाला। गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा पलट देते हैं, बिल्कुल आराम से पलटे। ये देखिए हमारे करेले का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है, टमाटर भी एकदम अच्छे से गल चुका है। अब हम गैस फ्लेम को बंद करेंगे और करेले को प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा करेले का भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर हमारे करेले के भरते की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।